Hello students, a very good morning. Our running chapter, lesson number 2, admission of a new partner. Our topic in the previous videos was valuation of goodwill, method for the valuation of goodwill. In the previous videos, we have studied 4 methods. First method was average profit method. Second was weighted average profit method. Third one was super profit method. And fourth one was the capitalization method. There were 2 methods for the capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. Our today's topic is hidden goodwill. Hidden goodwill method से ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छिपी हुई ख्याति कब कैलकुलेट की जाती है? जब नया साझेदार अपने हिस्से की कैपिटल नकद में लाने में असमर्थ है. When the new partner is unable to bring his share of capital in cash. In this condition, the goodwill is valued by the hidden goodwill method. इसका फॉर्मूला क्या है? छिपी हुई ख्याति या अनुमानित ख्याति, हिंदी के अंदर इसको छिपी हुई, hidden या अनुमानित ख्याति बोलते हैं. इसका फॉर्मूला है कैपिटल और टू बी. कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर से एक्चुअल कैपिटल ऑल पार्टनर्स की अपन लेस करेंगे तो हिडन गुडविल हमारे पास में आ जाएगी. इस मेथड को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं. ए और बी 2 पार्टनर हैं. इनका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज एज्यूम्ड इक्वल. यानी कि ये अपना लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर कर रहे थे. क्वेश्चन के अंदर इनकी कैपिटल दी हुई है. कैपिटल के जो बैलेंस है वो ए की कैपिटल 10,000 रुपए थी और बी की कैपिटल 20,000 थी. किस दिन थी? जिस दिन सी एक नया पार्टनर सी को 1/4 हिस्से के लिए एडमिशन दिया उस दिन ए की कैपिटल 10,000 थी और 20,000 रुपए थी. और इन्फॉर्मेशन क्या है? बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं. स्टूडेंट्स, रिजर्व का मतलब क्या है? कभी कभी जो पार्टनर्स हैं वो जो भी प्रॉफिट होता है पूरे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा अलग से रख देते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम इसको आपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें. तो 10,000 रुपए रिजर्व में पड़े थे, यानी कि एक गुल्लक में इन्होंने अलग से डाल दिए थे. और क्या इंफॉर्मेशन है? सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 एंड हिज कैपिटल वॉज 20,000. सी जो नया साझेदार आया पूंजी 20,000 रुपए की लाया. क्वेश्चन क्या है? गुडविल का वैल्यूएशन करो, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए और इसके लिए क्या जनरल प्रविष्टि होगी, जनरल एंट्री पास करें. ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे कैपिटल और टू बी. इसका मतलब है कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, किसके हिसाब से? नए साझेदार के हिस्से के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कैसी होनी चाहिए. तो मैं इस ब्रैकेट को और इजी कर रहा हूं. तो आप यह ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पर क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. यानी कि नए पार्टनर का जो हिस्सा है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. और इसमें से जब इस ब्रैकेट को यदि मैं इजी करता हूं तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं एडजस्टेड यानी कि समायोजित पूंजी
एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसके अंदर नए साझेदार की कैपिटल अपन जोड़ देंगे, एड न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए साझेदार की पूंजी इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास में फर्म की वास्तविक पूंजी आ जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैपिटल ऑट टू बी कैलकुलेट करने के लिए मैंने ब्रैकेट में रखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो जो सी, ये जो सी पार्टनर आया है ये कैपिटल के कितने लाया, 20,000 रुपए कैपिटल के लाया, तो मैं इस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के नीचे कितना लिख दूंगा, 20,000 रुपए इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सी कितने के लिए आया, 1/4 हिस्से के लिए आया, तो जो मैं इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, तो 1/4 का अपोजिट कितना, 4/1, माइनस का माइनस आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट के अंदर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स देनी है स्टूडेंट्स अपन को। अब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स अपन कैसे लेंगे, ए की कैपिटल कितनी है 10,000 और बी की कैपिटल कितनी है 20,000 और गुल्लक के अंदर कितने पैसे पड़े थे, 10,000 रुपए पड़े थे। इस रिजर्व के ऊपर सी जो नया पार्टनर है उसका कोई राइट नहीं है, और ये जो रिजर्व का पैसा है या गुल्लक का पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशो क्वेश्चन में था नहीं तो बराबर बराबर बटेगा, तो इस 10,000 रुपए के अंदर 10,000 रुपए के रिजर्व में से 5,000 रुपए इसको मिल जाएंगे और 5,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। तो एडजस्टेड कैपिटल ए की कितनी हो गई, 10 और 5 15,000, ए की कैपिटल हो गई, ए की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल 15,000 रुपए हो गई, और बी की कितनी हो गई, 20,000 और 5,000, ये 25,000 रुपए की कैपिटल ये दोनों की हो गई, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आ गई, और इसके अंदर अपन नए पार्टनर की कैपिटल और जोड़ देंगे, तो सी कितने रुपए की पूंजी लाया था, 20,000 रुपए की पूंजी लाया था, तो ये 20,000 अपन इसके अंदर और ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 25 और 20 इसकी 45 और 5 50 और 10 ये 60,000 रुपए इन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 20,80,000 क्या आ गई, जो कैपिटल होनी चाहिए टोटल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हमारे पास में कितनी आ गई, 60,000, 80,000 माइनस 60,000, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन कितने के ऊपर हुआ, 20,000 रुपए, 20,000 हमारा आंसर आ जाता है। बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने आंसर पहले रख दिया था, ये 20,000 रुपए इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, जर्नल एंट्री दो, जर्नल एंट्री कैसे होगी ये अभी अपन बोर्ड के ऊपर देखें। तो स्टूडेंट्स छिपी हुई ख्याति हिडन गुडविल, ये जो हिडन गुडविल हमारे पास में जो आंसर आया, ख्याति का मूल्यांकन जो किया गया, हिडन गुडविल हमारा आंसर आया 20,000 रुपए। यहां तक आपके सब स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा। अब जब भी नया साझेदार आता है तो अपने हिस्से की गुडविल लाता है, गुडविल वो दो तरीके से लाता है, या तो नगद लेके आता है और या फिर उसकी हिस्से की जो गुडविल है वो उधार रह जाती है। तो मेथड कौन सा है, हिडन गुडविल मेथड, मैंने बताया था कि इस मेथड को कब यूज करते हैं, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं ले पाता है। तो सी को कितने रुपए की गुडविल देनी पड़ेगी, सी 1/4 हिस्से के लिए आया था, तो 20,000 रुपए की गुडविल के अंदर से 1/4 हिस्सा, 4×5=20, ये 5,000 रुपए
5,000 रुपए की गुडविल किसको लानी पड़ेगी? सी को लानी पड़ेगी। अब ये अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं ला पाया, यदि नगद यदि लाता तो अपन एंट्री क्या करते? कैश, कैश या बैंक अकाउंट डीआर, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट 5,000 रुपए, 5,000 कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? बीएल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्म के अंदर 5,000 रुपए ये कैश लाया तो कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को मैंने डीआर कर दिया। गुडविल यहां पर नॉमिनल एसेट, नॉमिनल अकाउंट की तरह अपन ट्रीट कर रहे हैं। सीबीएसई बुक्स के अंदर कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल नहीं करके टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं, जो कि ज्यादा सही है। बट वी ऑल आर फ्रॉम द राजस्थान बोर्ड, सो वी विल सोल्व आवर क्वेश्चंस बाय दिस जनरेटी। यदि ये नगद लाता तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाता? ये एक नॉमिनल अकाउंट हो जाता जो कि आय व्यय से संबंधित है। दया साझेदार जब गुडविल लाया तो फर्म के अंदर एक तरह से प्रॉफिट हो गया और ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये एंट्री अपन कब करते? जब वो नगद लाता, वो नगद में लाने में असमर्थ है तो 5,000 रुपए उधार रह गए। स्टूडेंट्स अब बात को ध्यान से सुनेंगे, अब ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो गुडविल नगद नहीं लाया है। अब एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर, नए पार्टनर का नाम क्या है? सी। तो अपन यहां पर एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डीआर 5,000। ये करंट अकाउंट को डीआर करेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट को डीआर नहीं करेंगे। नया संशोधन हुआ, जो अकाउंट्स के राइटर्स हैं वो पहले न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, फिर उन लोगों ने ध्यान दिया कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब नए पार्टनर की कैपिटल कम हो गई। आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल अकाउंट का रूल क्या था, ऑल द इंक्रीजेस इन द कैपिटल्स आर क्रेडिटेड। यदि पूंजी के अंदर वृद्धि होती है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और कैपिटल के अंदर यदि कोई कमी आती है या डिक्रीज होती है कैपिटल तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यदि मैं सी के कैपिटल अकाउंट को यदि डेबिट कर देता करंट अकाउंट की जगह, तो सी की जो कैपिटल कितनी लाया था? सी कैपिटल लाया था 20,000 रुपए। कैपिटल अकाउंट को डीआर करने से इसकी कैपिटल कितनी मानी जाती? 15,000 रुपए हो जाती। तो अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट इन द अकाउंटिंग रूल्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड। व्हेन? कब की जाती है? जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद में लाने में असमर्थ होता है। तो सीज करंट अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स चाहे नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल चाहे नगद लाए और चाहे वो उधार लाए, उसके द्वारा लाई गई गुडविल पुराने साझेदारों के अंदर उनके सैक्रिफाइस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं था तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 अपन ने माना था। और जब मैंने आपको रेशो पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, द सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज ट्रीटेड एज देयर सैक्रिफाइस रेशो। सूचना के अभाव में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनके त्याग का अनुपात माना जाता है। तो सी कितने के लिए आया? 1/4 हिस्से के लिए, 1/4 का 1/2 ये ए से लेगा और 1/4 का 1/2 यानी कि 1/8 हिस्सा बी से लेगा, दोनों से बराबर बराबर लेगा। तो इसके अंदर ये 5,000 रुपए की ये जो इसका हिस्सा आया था ये इसके अंदर से 2,500 ए के जमा हो जाएंगे और 2,500 बी के जमा हो जाएंगे।
इस तरह से स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्री अपन कर देंगे। आशा करता हूं कि हिडन गुडविल आपके समझ में आ गई होगी, और फिर इसके बावजूद भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, और आप सभी स्टूडेंट्स को इसको शुरू से लेके एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इट्स ओवर।